अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िर मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम मरहम के प्लेटफॉर्म पे एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या है, किसी का क्वेश्चन है कि मैं 10 साल से डिप्रेशन का शिकार हूँ, क्या करूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले अपनी डायग्नोसिस यानी अपनी तशखीस प्रॉपरली करवाएं, क्या ये डिप्रेशन ही है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम स्ट्रेस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डिस्ट्रेस की तरफ चला जाता है तो वो हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 साल की बात करते हैं तो डिप्रेशन का क्राइटेरिया 2 वीक्स या मोर देन 2 वीक्स होता है। इसमें ये हो सकता है आप एपिसोडिकली समटाइम्स डिप्रेशन में जा रहे हैं या किसी और साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले प्रॉपर अपना डायग्नोसिस करवाएं कि इस वक्त करंटली आप डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी या कोई भी साइकोलॉजिकल इशू जो भी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट का भी प्लान क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है असेसमेंट। असेसमेंट के थ्रू पता चले आपका डायग्नोसिस है क्या। दूसरी चीज़ उसकी इंटेंसिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। अगर तो माइल्ड से मॉडरेट है तो हम साइकोथेरेपी की तरफ जाते हैं। अगर डिप्रेशन है या एंजाइटी यानी डायग्नोसिस है, हम CBT की तरफ भी चले जाते हैं। डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे हमने किस थेरेपी की तरफ जाना है। प्लस अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर हैं और आपकी डेली फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है जिसकी वजह से आपके ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप पहले मेडिकेशन की तरफ जाएं, मेडिकेशन के साथ साथ साइकोथेरेपी लें। मेडिकेशन क्या करती है, आपके उन ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करती है, लेकिन साइकोथेरेपी जो आपकी सोचे हैं, देखिए मेडिसिन से आपकी सोचे नहीं बदलती, साइकोथेरेपी से आप अपने उस थॉट पैटर्न को चेंज करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।